रात ते हो गए ने जी 1:23 और मैं ना हाले तक जागदा फिरां। कूलर चलिया होया सी, कूलर च पानी हो गया खत्म और मोटर चलाई है, पानी भरांगे क्योंकि बच्चे जो सो रहे, ठंडी हवा आ रही सी, बिल्कुल जड़न पानी खत्म हो गया। तकरीबन इत्थे तक जड़ा ना खड़ा होया इत्थे तक, और पानी खत्म हो गया तो मोटर सड़न का जो खतरा है, इस करके मैं ना पानी भरन लग्या। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल सरपण भैया दे, और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो कोई नहीं है, उनकी वजह आया कि 12:01 खड़े दोपहर टाइम दे, और मैं गया सी शहर, शहर चु लैन दा जी दोपहर टाइम, बच्चे फिर काफ़ी सारे ने, तो फ्रूट लैन दा पूरी पेटी एक लैन दी सी आलू बुखारे दी, मैं भी खाया है रज के, और चेरी नाल लैन दी तुहानू खाना। और बेगम साहबां दी अज जिहड़ी तबीयत खराब है, आज ने मंजे बिस्तरा मल्ली बैठी है, और लैन दा सी जी आलू बुखारा, और थोड़ा जा रह गया, बाकी जो तक सारा सी खा खू लिया, इन दो के बाकी इन जो फ्रिज के रख दे। और मैं लैन दी सी जी स्पैशल चैरी, और चैरी मेरी जी ठंडी हो रही है, इनके ठंडे पानी के ठंडी हो जाती, फिर मैं खावगा। बेगम साहबान तबीयत इस करके खराब हुई है क्योंकि रात में जी बेई भिंडी कुछ तुम विखाया ना 2-3 दिन का पुराना, वो वाला गर्म करके उन्हें भी रोटी खा ली, मैं भी खा ली, मेरा तो अलहमदुल्ला मेरा बड़ा फिट है, मैंने तो कुछ भी कोई नहीं होया। तो बेगम साहबां दे ना थोड़ी प्रॉब्लम हो गई सी, हैज़ा वगैरह ने इस तरह का उल्टियाँ वगैरह का ना बन गया सी, ते फिर हुण तकरीबन इनकी तबीयत ठीक आ, लेकिन दवाई वगैरह सी कोई नहीं लई, दवाई पहले पई सी साडे कोल ते उह लई आ थोड़ी बहुत, लेकिन हुण आराम हैगा काफ़ी। जदों भी मैं ना ना वाशरूम ले पानी खत्म होया हुंदा क्योंकि बिजली है कोई नहीं, तकरीबन अम्मी अबू होरी सिस्टर होरी और भाई जहाज की फैमिली भी सारे तकरीबन सारे घर का जो खर्चा सिर्फ एक इस टैंकी तो है, क्योंकि भाई जहाज का बिजली होंगी डैम, तो उन्हों का अलग वाशरूम है, लेकिन उन्होंने बिजली डैम हो करके जरा ना मोटर वगैरह चलती कोई नहीं, तो पानी सारा दिन भरीद ही कोई नहीं, भी साढ़े लिए जो इस्तेमाल करते हैं। लैबा तो जो अपना काम धंधा जो लिख रही है, ये पट्ठी सीधी तो कर लो, पट्ठी पद्दी बैठी किड़े पासो की लिखाइया हो रही ने, इस तरह इंज करके बा को लेख भी सही, तो सीधा तो लेख कम अज कम। अच्छा लैबन जड़ा पढ़न का बड़ा शौक है, लेकिन हाले उतना जड़ा ना हैवी दिमाग नहीं है पढ़न के वास्ते। और बेगम साहब हाँ सुना, दाल वगैरह पई है गर्म कर लवीए कल दी, क्यों चागा करिंदा पे ते मुड़ के गर्म करके खा लेने। अच्छा मैं तो चलो गर्म करके खा ली, मैंने तो पाच पूछ गई है, तेन तू ना खावे रोटी होंगे आप खाते ताज़ा मोह जाती है, मैं क्यों पता मेरे ना असल तो हूँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वैसे ही जो समझ लो कि मैं तो बर्दाश्त नहीं करता ज़्यादा जरा ना सालन वगैरह इस तरह की चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कर रहा। एक बिजली वाले अलहमदुल्ला क्या ही बात है, माशाल्लाह तकरीबन मेरे ख्याल है सुबह 9-10 बजे की गई हो या 12-1 बज गए हाले तक, सो पता ही कौन कि बिजली होंगी भी है कि कोई नहीं। मेरी चैरी हो गई जी ठंडी, है देखो जी, और मैं जी खा रहा, क्या ही बात है, अलहमदुल्ला बिजली आई है, सब तो पैर एयर कूलर चलाया और जेडे आते हैं इनके बॉक्स जे चेंज कर लगियाँ, बिजली तो कोई नहीं हैगी, थोड़े बहुत जो फ्रिज चो ठंडे पे हो हले बिच रख दें, और अगले जड़े ना 3 बिच पे ने, हाँ ठंडे है काफ़ी, यह देखो उपर त्रेड़ी त्रुड़ी भी जमी हुई है, और यह हले जाख दें जी अंदर। चलो जी पहले मोटर चलाइए, पानी ब्री लगा तो फिर फ्रिज चलावे, लो जी हम एयर कूलर चलेगा जी ठंडा, और बेगम की भी लगता तबीयत वगैरह सैट हो गई क्योंकि ना को फ्रूट वगैरह लैन दा सी दोपहर टाइम, नाले 51 जी ना बेगम साहबां ने कही सी ने बनाई कोई नहीं वेख ला, अज गर्मी बहुत है, बहुत ही ज़्यादा डबल तो ट्रिपल, हाँ बिजली तकरीबन 5-6 घंटे लगातार गायब रही है, जाके आराम ना सो गया, ये तो तुम दस्या ही कोई अज जो पका ही रहे हैं, अज पका रहे हैं जी, एक ना गोश्त लै आंदा सी और दूसरा दाल बोइल हुई हुई है, दाल गोश्त पक रहा जी, ना किसी ने यह कमेंट नहीं करना कि बेगम साहबान तबीयत खराब हैगी तो हम तुम रोटी सालन पका रहे हो, बाकी मसाला वगैरह सारा कुछ कटिया सिस्टर ने, रोटियां भी सिस्टर ने पकानियां सिस्टर नहीं देने, और बेगम साहबान सालन इस करके पका रही है क्योंकि सिस्टर के हाथ ना एडा सालन अच्छा नहीं होंगे जिन्ना बेगम साहबान सालन अच्छा पकाती है, इस करके सालन जिहड़ा ना इन्दे जिम्मे लाया गया। अल्लाह जी अल्लाह पाक दी जिहड़ी ना समझ लो कि नेमतां च एक वड्डी नेमत बन गई है बिजली भी,
आई जाना तो पानी पुनी नाया नुया तो क्या ही बात वेख लो तुम अगर बिजली ना आती ना यकीन कर जो बड़ा बेसवादी काम होया खड़ा से दूरों खुशबू ही आ रही ने बेगम साहबां सालन खीर का बनाती है और अज बनया जी दाल गोश्त और देखने भी बड़ा मज़ेदार लग रहा इंज ना कि होटल तो नहीं कड़ाइया कड़ूइया बनाते उस हिसाब न वाह पक गया मुकम्मल अग भी जी ना बल चुकी है सिस्टर पका रही है रोटियां क्योंकि बेगम साहबान की तबीयत तो बिल्कुल ख़राब है रोटी पानी खा लिया होंगी जी तबीयत ही विखाया हमने मैं ना रोटियां चाह के लह जाऊँगा खाऊगा जाके किनिया कर हले तो काफ़ी सारिया पाई अच्छा जी सारियाँ लै जाओ मैं तकरीबन सुबह का नाश्ता किया हुआ और हूँ मेरे ख्याल के चार बजते पेने हूँ जी रोटी खा सुबह तो शाम की कट्ठी और बेगम साहबा जी नंदिर पई है रोटी पानी खा ला ना है नहीं नहीं रोटी थोड़ी बहुत ही खा ला तो मुड़ चलने ना दवाई लै आने आप गाड़ नाले बालों दे रोटियां मैं तां लै आंदियां ने बाल मंगी जाते हैं आ जा बेगम उठाया इस करके क्योंकि ना थोड़ा बहुत रोटी पानी खा लवेगी ना इन्हें भी सुबह तो थोड़ा बहुत जाना नाश्ता वगैरह ही मेरे ख्याल किया हो फिर जी दवाई वगैरह ही अगर उन्होंने कोई इंजैक्शन वगैरह लाना हो तो फिर वह पुछते हैं कुछ खाई पी है कि नहीं आते इस करके जो मैं कोई चीज़ ना खानी चाहिए आ भुखिया तो फिर बंदा वैसे ही जो काफ़ी जो कमज़ोर हो जाता है और माशाला सालन की फाइनल लुक तुम चेक कर सकते हो कि प्यारा जो सालन बनया क्या ही बात है जबरदस्त बेगम साहब इतने बह के खा रही है लैबा तो अमना उनके नाल बह के खा रही है और अब्दुल रहमान तो हुसैन साहब इतने खा रहे हैं कि बाकी जो बच्चे है उधर सिस्टर और जाना अम्मी अबू और सिस्टर उधर जाना बैठ के दूसरे कमरे जाना उधर खा रहे हैं तैयारी हो चुकी जी असं चले हाँ जी और बेगम साहब भी आ रही आस्ता आस्ता मगर खोक वेंदी पई है भी तैयारी हो कि नहीं चलिए उसके मान साथ चलिए मान साथ अब्दुल वहाब मां साध चलिए मां साध ऐदे इन अखबाओ इन अखबाओ आ कुत्ते बाओ मां अखबाओ उत्ते चलिए अगू अट जा पे भाई पे अगू अट जा लैबा भी अज जो कपड़े नवे की बंदी है बेगम साहबां दी जिहड़ी ना तबीयत काफ़ी ख़राब हैगी सी ते डॉक्टर ने कहा कि भी पानी की कमी है जिसम विच ते जिहड़ी ना बोतल लानी जिहड़ी जरूरी है एक आ एक भाई होर लगनी आले ये तो काफ़ी टाइम जिहड़ा सानूं इत्थे लग जाना तकरीबन सुना कौन है दूसरी ड्रिप जिहड़ी है ना आया नहीं हुण मेरे ख्याल छोटी लाई आ ये खत्म होंदी आ ते फिर जिहड़ा जाने आ सूरज बिल्कुल गरूब हो चुका है और जा रहे हैं जी करों और बेगम साहबा की तबीयत पहले सब बेहतर है क्योंकि दो बोतल लगे ने एक अच्छी भी नहीं जो मुस्कराई है कुछ ना कुछ असल च ना बंदे की तबीयत लीका बनया हुआ जो ना रोड के उत्ते जिन्हें सत्त वगैरह जिमें लगता और है देखो कि प्यारा परिंदा बैठा हुआ सी अपने अगे अगे उड़िया जाता ही अब्दुल वहाब जेड़ा ना गिर गया आंदा ला ही इतने आके हाँ डिगा है चल चुप कर और ऐलियां जेड़ियां ना दवाइया मिली जी बेगम साहबान ये सुबह शाम लैनिया ने भी खादी खड़ा सही मेनू दे चलिया हूँ ही आया सी ते हुण फिर जिहड़ा मैनूं शहर जाना पै गया एक तो अब्दुल वहाब दा दलिया खत्म होया और की चीज़ लैनी होर कोई चीज़ भी लैनी मेरे ना ज़हन च नहीं आ रही झाड़ू लैना नहीं झाड़ू 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 भी लै ली सन लेकिन होर कोई चीज़ मेरे ना हाँ मक्खियां मारन वाला जिहड़ा स्प्रे ना सिक्योरिटी गार्ड वो जिहड़ा
क्योंकि मक्खियां दोपहर टाइम बहुत ज्यादा जेड़ा तंग कर दिया वो लेके आना पक्का स्प्रे जेड़ा ना दलिया चाय मैं ना लेवा स्प्रे लाजमी लेके आवा क्योंकि रात नु मच्छर मुच्छा ते ओ जे कीटाणु जे हैं ना वो रात नु जेड़ा ना काफी तंग करदे ने आज तन रात नु जेड़ा ना मैं दिखावांगा शायद सुबह दे व्लॉग या आज दे व्लॉग च जेड़ा दिखा दवां शायद कीटाणु जे छोटे जेड़े नु बड़ा तंग करदे उन्हां वास्ते स्प्रे लेके आना और अब्दुल वहाब वास्ते दलिया हो सकदा मैं झाड़ू ही लेके आवांगा। घर जी मैं पहुँच चुके हैं और यह आ गया जी समान झाड़ू बेगम साहबां दा जिहड़ा ना कोई नहीं मिलिया बाकी समान तो जिहड़ा लै आंदा है फंड और अज स्प्रे जिहड़ा ना वड्डा कोई नहीं मिलिया स्प्रे दी पहले वड्डी बोतल लै आंदा सी वो मिली कोई नहीं ये आपां नूं बड़ी महंगी पै रही वैसे ये मिली है जी 330 रुपए की उन्दे ना समझ लो अद्धो अद्ध छोटी होंदी आ और काफ़ी इतने दिन ये एक दो चार दिन अपने मसा निकलेंगे और स्पैशल स्पैशल लाइए टिटना वास्ते तुहानू तो विखाना रात में जेड़े कन्ना जी वड़ जाते हैं तो बड़ा तंग करते हैं साइड से होने हमने ना आने शुरू हो गए होने अज वैसे ना जरा कोई नहीं आ रहे हैं नहीं इधर बैठे ने देखो हाँ देखो ऐले जे टिटन जे है ना काफ़ी सारे जेड़े सू तंग करते हैं रात रात नू सानू खांदे ने यकीन कर जो कच्चियां नू हां जदों ए लाइट वगैरह बाली दी ने ते इत्थे आ जांदे उत्ते जो सोने उत्ते डिगदे ने चक मारदे ने रात नू बड़ा हाँ ए देखो ना कि मैं माखी बैठा हुआ ओए होए 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 इन्हें तो मैं स्प्रे करना ही मैं बैठे हैं उत्ते ये आपे जेड़ ना मर जावणगे ते बाकी ए लैंदा जी अब्दुल वहाब दा जी इन कहंदे ने श्री लैक और ए लैंदा को बेगम पी लवेगी और कुछ अम्मी वास्ते बोतल एक लैके आंदी आ अच्छी आंदी आ डॉक्टर ने दसी सी जेड़ा ना जूस वगैरह इस तरह दा जेड़ा ब्लड वगैरह घटे ते जेड़ा ना दे छड़िया ठीक हो गया इन्हें है धिया करंगी गर्म कर लो उस ठंडा करन वास्ते रख दे सब तो पहले ना इन्हें मैं टिकाणा ना निबड़ लवा क्योंकि सारी रात यकीन कर जो ना बच्चों सौन देते हैं तो ना सानू सौन देते हैं तो यह वाला मंगाया कि व्डे लेकिन आए कोई नहीं आने और उन्होंने मैं तीन का आर्डर करता मैं चलो दो तीन महीने चार महीने जेड़े ना साढ़े आराम सुकून जेड़े ना पै जावे बेगम साहबा जी ना फड़ी खड़ी आ और मैं जेड़ा ना इन्हें करना स्प्रे मकान आए हाँ ये बड़ा जलील करते रहिए यकीन कर जा इन्ने आए हुए ने ना मर जावे वैसे हैं मर जावे हूँ लैबा ने जोड़ा है ना गिलास तोड़ दिता एक एक तोड़े के दो एक तोड़े लै भाई हूँ बाकी किन्ने रह गए चार रह गए ने चलो बाकी ये भी हूँ गिलास भी मुकते जाते हैं जेड़ा इन्हें नवे लैके आने पैने ने दिल तो मेरा नहीं कर रहा कि जिन्हें तुम दसा मैं लेकिन ना रहा भी नहीं जा रहा दसन तो क्योंकि रात में जेड़ा ना बई मैं तो मेरी ना गल हुई थी तो उन्होंने मैंने कहा है कि आप तकरीबन 8-9 तरीक न जेड़ा या 10 तरीक न जेड़ा है निकल 9 या 10 तरीक न जेड़ा साडा काम हो गया पक्का टूर ते जावन दा उन्होंने गल हो गई थी राबिया तबीयत भी हूँ काफ़ी बेहतर है तो बाकी अल्लाह दी अल्लाह जाने हो सकता कि हूँ अज बेगम साहब ने तबीयत खराब हो गई या बंदे का की पता लगता किसी टाइम बंदे के बंदा इसकी कोई गरंटी आ किसी टाइम बीमारी हो सकती है मुसीबत कल शायद मैं जिंदा ही ना हुआ की पता लगता कहती तौबा नहीं गल करता पहना इंसान का की पता है लेकिन अपने लू पूरा प्लान बना लिया कि 9 या 10 तरीक इंशाल्लाह से टूर से जो निकल जावे लेकिन बई तो सब जरूरी जेड है ना सुबह ना निकल जाना 6 बजे लेकिन सानू असा लेट की है बई अहमदौरा की वजह तो और हिना सिस्टर उन्होंने अगले तुम दसा कि उन्होंने तकरीबन 10-15 दिन छुट्टियां अगर वधा लिया ने तो उन्होंने अज फोन करके दसने अगर ब्लॉग चलना वेख लिया तो ठीक करनी तो उन्होंने फोन करके दसागे कि 5 दिन छुट्टियां जिहड़ियां ना सिर्फ अगां वधाओ क्योंकि 6 तो उन्होंने स्टार्ट कीतियां सी छुट्टियां ठीक है तो उन्होंने कहांगे 6 तो ना लो तुसी 8 तो लै लो या 10 तरीक तो छुट्टियां लै लो उधर भी जेड़ा ना 10 दिन क्योंकि रात नूं होया सी प्रोग्राम बणिया वह ना होवे कि भाई जफर ने जेड़ा है ना छुट्टियां ज्यादा लै लईआं तो फिर जेड़ा समझ लो लेट ही होवेगा फिर उन्होंने रोज़ रोज़ तो नहीं छुट्टियां चेंज करा सकते तो फिर अगले बंदे तंग करता सानू महसूस हो रहा है कि तंग उन्होंने बिना वजह
और हिना सिस्टर का स्पैशल शुक्रिया, उन्होंने सारा इंतजाम किया, गड्डी वगैरह उन्होंने बनाई आ। लेकिन असी की सदे ने गड्डी का किराया तो सारे रल मिल के देना, असी अलग आपका किराया देवे, राबी और अलग देवे, यानी गड्डी असी किराई ना तो इकट्ठी जिन्ना खर्चा होगा असी तीनों घर आपस जो वंड लवेंगे, सारा खाण पीण किराया वगैरह सारा ना एक घर खर्चा की रखेगा, जमा कराई जावे उन्होंने तो एंड ते आके कर लवेंगे हिसाब, सब तो बेहतर रहेगा क्योंकि किसी ते बोझ पावन का एक तो फायदा ही कोई नहीं आ। असी टूर ते जावे ना कोई साढ़े चंबीए गरीब नहीं गिना जाएगा और असी एक दूसरे ने बराबर बिल्कुल खर्चा जरा करा इंशाला, तो बाकी खैर सुख रखे इंशाला निकल जावे 10 तरीक न। अच्छा ना जाते जाते मैं एक होर गल करा, काफ़ी सारे भैन भाई ने परेशान होवे अज टिकटन वगैरह वेख रहे क्योंकि साढ़े जेडे पिंडा थावं रेंदे आई असं जिमें रें सू तो इन चीज़ों के डर वगैरह कोई नहीं है, लेकिन खतरनाक होंगे ने एक बार साढ़े बच्चे देना केंद्र कान च पिया से अब्दुल रहमान दे साडा जो वड्डा बेटा ना अब्दुल रहमान उन्हें जेडा ना कान के बच्चे टिटन जो वड़ गया से यकीन कर जो बड़ी परेशानी बनी सी, रात के 2 बजे लैके सू जो डॉक्टर को बजना पिया तो उत्थे जो मसल बड़ा मुश्किल डॉक्टर ने जो टिटन जो बाहर कटिया कान के ज़्यादातर वड़ जाते नाक वड़ जाते रात को तो बहुत तंग करते इन वजह तो जो स्प्रे वगैरह रखी था पिंडा थावं तो बहुत प्रॉब्लम है, हालांकि शहर के स्प्रे वगैरह की रखते असं भी हम स्प्रे रखे हुआ लेकिन पता नहीं आ कितों जाते हैं कोई समझ ही सोरी को नहीं जमीन के बच्चों निकल आते हैं, सुबह तेन विखावगा उनके जितों ने इन्होंने घर बनाया बहरली साइड गार्डन के जिथे जमीन वगैरह पट्टी हुई है ना उत्थे इन्होंने व्डिया व्डिया मावं प्यो ने व्डे व्डे उन्होंने इन्होंने बच्चे दिते निरे तो यह समझ लो कि रात में तंग करते हैं सानू इतने काफ़ी सारे जो बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा तो काफ़ी सारे भैन भाई डर होए 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 अं करते हैं साढ़े इलाके में तो ये चीज़ा समझ लग के बहुत ही आम चीज़ हैगी और बेगम साहब थोड़ा जहा वल हुई है ना तो काम जरा माशाला शुरू हो गई है और पानी के जेड़ सारे को समझ लो कि इस्तेमाल कर ले सी हूँ जो बार के रखा सुबह तक इन्होंने बर्फ जी मुकम्मल तौर पर जम जाएगी फिर सारा दिन इस्तेमाल करी दिया शाम जरा बार के रखी दिया एक तो सारा दिन बिजली कोई नहीं होंगी रात में फिर भी कोई घंटा दो जो टिकती आ इस करके रात थोड़ी बहुती उस तरह बर्फ तो नहीं जमती लेकिन थोड़ी बहुत पानी ठंडा या थोड़ी बहुत कच्ची पक्की बर्फ जी कद कद जम जाती है तो अज का व्लॉग इतने खत्म करना इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी दुआ करना साढ़े वेखन जिन्हें की बहनों बहनियाँ खुश रहो आबाद रहो हमेशा हंसते वस्ते रहो इसे दुआ ना दो इजाजत खुदा हाफिज़ अल्लाह की जबान खुदा हाफिज़।